नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कथा स्रोत में। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी एक ऐसे भक्त की है जो कसाई का काम करते हुए जिन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई। सदना नामक व्यक्ति एक गांव में रहता था। गांव में ही उसकी कसाई की दुकान थी। सदना रोज अपना दुकान पर जाता, बकरे काटता और मांस बेचता था। कई वर्षों से यह काम करता आ रहा था। इस प्रकार वह अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन वीरवार का दिन था। वीरवार वाले दिन सदना ने जो बकरा काटा था उसने सारा मांस बेच दिया। जो थोड़ा सा बच गया था तो वह सोचने लगा कि शाम तक यह सारा मांस बेच दूंगा, क्योंकि कल शुक्रवार का दिन है और कोई भी मुस्लिम भाई यह मांस लेने नहीं आएगा। सदना सारा मांस बेचकर अपने घर को निकल गया। अभी सदना घर पहुंचा ही था कि घर पहुंचते ही साहूकार के आदमी आ गए। वे बोले, साहूकार के घर मेहमान आ गए हैं और हमें 2 शेर मांस चाहिए। तो सदना कहने लगे कि आज मैं मांस नहीं दे सकता, क्योंकि जो बकरा मैंने काटा था वो तो सारा बिक गया है, कल सुबह ले जाना। उसने कहा, मेरी मजबूरी समझो, आपको तो 2 शेर मांस चाहिए, बाकी का मांस तो बरसों ही बिकेगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। साहूकार के आदमियों ने कहा, यदि तुमने मांस देने से मना कर दिया तो हम साहूकार को कह देंगे, फिर तुम अपना समझ लेना कि तुम्हारा क्या हाल होगा। सदना बोली, यह क्या बात हुई भाई, मांस दूँ तो भी फंसा और ना दूँ तो भी फंसा, बचा हुआ मांस तो 2 दिनों में ही खराब हो जाएगा। उसने कहा, ठीक है भाई, मैं एक ऐसा काम करता हूँ कि तुम्हारा काम भी हो जाए और मेरा मांस खराब भी ना हो। मैं बकरे की एक टांग और उसका ऊपर का हिस्सा काट कर तुम्हें दे दूंगा, इस प्रकार तुम्हें भी मांस मिल जाएगा और 2 दिनों तक मांस खराब भी नहीं होगा। 2 दिनों के बाद मैं उसे मार दूंगा। यह सोच सदना ने छुरा उठाया और बकरे को काटने के लिए आगे बढ़ गया। सदना को देख बकरा तो पहले खूब हंसा, फिर खूब रोया। यह देख सदना बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा, ओ भाई बकरे, ये क्या बात हुई, पहले तुम हंस रहे थे फिर रो क्यों रहे हो, इस बात का क्या कारण है। बकरा बोला, देखो भाई सदना, बहुत जन्म हो गए, कभी मैं कसाई बनता तो तुम बकरे, कभी तुम बकरा बनते तो मैं कसाई, कभी मैं तुम्हें काटता तो कभी तुम मुझे। वर्षों से यह रीत चली आ रही है, पर जो रीत आज तुम शुरू करने जा रहे हो यह पहले कभी नहीं हुआ, इस बात पर मैं हंस रहा हूँ। और मुझे रोना इस बात पर आ रहा है क्योंकि तुम मेरी टांग काटने वाले हो और 2 दिनों तक मुझे तड़पता छोड़ दोगे और 2 दिनों के बाद मेरे प्राण लोगे, इस बात पर ही मुझे रोना आ रहा है कि मुझे 2 दिनों तक पीड़ा सहन करनी होगी। भाई सदना, यह याद रखना, आज जो तुम मेरे साथ कर रहे हो वही मैं भी तुम्हारे साथ करूँगा। आज मेरी टांग कट रही है, कल तुम्हारी टांग कटेगी। आज मैं तड़प तड़प के मरूंगा, कल तुम भी तड़प तड़प के मरोगे। यह सुनते ही बकरी ना काटने का संकल्प लेकर सदना साहूकार के आदमियों के सामने जाकर बोला, चाहे अब मुझे साहूकार मार ही क्यों ना दे, मैं अब बकरा नहीं काटूंगा, क्योंकि मुझे अब पता चला है, जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, जो बोएंगे वही काटना पड़ेगा। आज के बाद मैं कोई भी बुरा कर्म नहीं करूंगा और ईश्वर की सच्ची भक्ति करूंगा।
इस प्रकार एक छोटी सी घटना ने सदना कसाई को सदना भक्त बना दिया और परमात्मा की ज्योत सदना भक्त में ऐसी जली कि उनकी वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला। तो दोस्तों, इस कहानी का यही सार है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। अतः हमें अपने जीवन में किसी भी जीव पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, अपना जीवन दया और प्रेम के मार्ग पर चलकर ही बिताना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।